राजस्थान रोडवेज के इतिहास में पहली बार सीएमडी का दफ्तर कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया है। कुर्की का आदेश वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर द्वितीय ने दिया था। इसके बाद स्पेशल सेल के अमीन अभिकांत शर्मा ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये पूरा मामला 1 अरब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली का है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्तमान में सीएमडी आईएएस अधिकारी संदीप वर्मा हैं। जानकारी के अनुसार मैसर्स आशापुरा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जस्टिस शिवकुमार शर्मा ने आर्बिट्रेशन प्रकरण में 25 मार्च 2018 को डिग्री पारित की थी। ये डिग्री 1 अरब 3 करोड़ 3 लाख 46 हजार 753 रुपये कंपनी के पक्ष में पारित की गई थी, जिसकी तुष्टि करने में निगम असफल रहा। ऐसे में वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर द्वितीय ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस प्रकरण में अब अगली सुनवाई गुरुवार को यानी आज होनी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि रोडवेज प्रशासन इस दौरान प्रभावी रूप से पैरवी करेगा। अदालत के आदेश के बाद कुर्की के दौरान इन संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकेगा और ना ही दान दिया जा सकेगा। इसके साथ ही संपत्तियों को कहीं भी ट्रांसफर या भारित नहीं किया जा सकता है।